सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम पुलकित कुमार है, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ बीएससी योगा साइंस से यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में। सो आज हम यहाँ पर योग के विषय में कुछ बातें जानेंगे और कुछ योगाभ्यास भी करेंगे, ठीक है। ये सत्र हमारा जितनी भी देर चलेगा, आप प्रयास करेंगे कि इससे आप जितना सीख सकते हैं सीखेंगे, और आपको यदि इस विषय में कोई भी क्वायरी रहती है, कोई भी मन में प्रश्न आता है, तो आप में से बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो एवरीबॉडी क्लोज योर आइज एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। अपनी मेरुदंड को सीधा रखेंगे, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, आँखों को बंद रखेंगे, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे से छोड़ देंगे। वन मोर टाइम, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली। प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र को शुरुआत करेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए और एक दीर्घकार ओमकार का उच्चारण करेंगे। पुनः एक बार लंबा गहरा श्वास भरिए, ओमकार का उच्चारण करेंगे। वन मोर टाइम, इनहेल डीपली, ओमकार का उच्चारण स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास भरते हुए शुरुआत करेंगे गायत्री मंत्र की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोनों हाथों का रिलैक्स, चैंट शांति 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 3 times। अपने दोनों हाथों में घर्षण करेंगे तथा दोनों हाथों के मध्य हीट जनरेट करेंगे। दोनों हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे, हथेलियों को हटाएंगे, अपने शरीर की तरफ देखते हुए आंखें खोल लेंगे, ठीक। तो अभी हम सामान्यतः योग के विषय में क्या जानते हैं, अभी कुछ हम थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास भी कर लेंगे। तो योग के विषय में आज सबसे बड़ी एक भ्रांति मानी जाती है कि योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है, और सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज करना, हम आसन लगाना और कुछ कार्डियो कर लेना, यही एक योग का प्रस्पेक्टिव माना जाता है कि यही सिर्फ योग है जिससे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं। परंतु यह पूरी तरह से गलत है। हम कह सकते हैं कि योग के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों का उपचार कर सकते हैं और एक हेल्दी जीवन जी सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति हेल्दी है, अपने लाइफ अच्छे से जी रहा है, वह योग नहीं कर सकता। योग उनके लिए नहीं बना है जो पूर्णतः स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल गलत है। एक ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, वह योग के अभ्यास से अपने बीमारी को ठीक करना चाहता है, वह योग कर सकता है, परंतु ऐसा व्यक्ति जो पूर्णतः स्वस्थ है, वह स्वस्थ बने रहने के लिए, वह अपनी लंबी आयु के लिए भी योग का अभ्यास कर सकता है, ठीक है। तो योग दोनों व्यक्ति कर सकते हैं, यदि कोई बीमार है तो वह भी योग कर सकता है, और यदि कोई स्वस्थ है तो वह भी योग कर सकता है। तो सबसे पहले हम योग के विषय में ये मानते हैं कि योग सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, नहीं। योग के विषय में महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग का मार्ग दिया है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 मार्ग आते हैं, जिनमें से आसन सिर्फ एक मार्ग है, जो कि 3rd number का मार्ग है। उससे पहले के 2 भाग और उसके लास्ट के 5 भाग, उनको कोई अभी इतना अच्छे से नहीं जानता है। तो सबसे पहले हम यम के बारे में बात करते हैं। तो यम के 5 अंग होते हैं, जिसमें सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आता है। फिर उसके बाद नियम भी 5 होते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिनिधान।
ये टोटल हमारे यम और नियम हुए जो 10 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आसनों का अभ्यास करते हैं, और आसनों का अभ्यास करने से पूर्व हमें षट क्रियाएँ करनी होती हैं। षट क्रियाएँ हमारी बॉडी क्लिंजिंग के लिए होती हैं, जो कि हमारे शरीर को स्वच्छ रखती हैं। हमारे शरीर के भीतर जिस भी प्रकार का मल जमा होता है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको साफ़ करने के लिए हम षट क्रियाएँ करते हैं, जिनमें आती है धोती, बस्ती, नौली, कपालभाति और त्राटक। ये सब 6 क्रियाएँ होती है, जिनमें सबसे पहले अगर हम नेति की बात करें तो नेति एक क्रिया है जिससे हमारी नेसल कैविटी जो होती है उसकी क्लिंजिंग के लिए की जाती है, और इसको हम मेनली इससे कफ रोग जो होते हैं वो दूर होते हैं। जितने भी आपके कंठकूप से ऊपर की तरफ के जो भी रोग होंगे, जिस भी प्रकार के रोग होंगे, वो आप नेति के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। नेति मेनली जो ट्रेडिशनल टैक्स में मिलती है वो सूत्र नेति का विवरण मिलता है। एक 9 इंच लंबा सूत्र होता है जो कि एक विशेष प्रकार प्रक्रिया से तैयार किया जाता है, जिसको हम अपनी नेचुरल कैविटी के थ्रू, अपनी नाक के थ्रू अंदर डालते हैं और अपने मुख से बाहर निकालते हैं, जो कि हमारी नेचुरल कैविटी को क्लीन करता है। देन उसके बाद आता है धोती क्रिया। धोती क्रिया एक विशेष प्रकार से तैयार किया गया एक वस्त्र होता है, जो कि 4 अंगुली चौड़ा होता है और 15 हाथ लंबा एक कपड़ा होता है, जिसको हम धीरे धीरे निगलते हैं पानी के साथ या शहद के साथ, जो कि हमारे स्टमक तक जाता है, जो हमारे स्टमक क्लिंजिंग के लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम त्राटक का उपयोग करते हैं, और त्राटक सामान्य रूप से आपने सुना भी होगा, कंसंट्रेशन के लिए आपको बोला जाता है कि यदि आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो किसी एक बिंदु पर फोकस कीजिए और कुछ देर तक के उसको देखते रहिए, तो त्राटक उसी प्रक्रिया का नाम है। मेनली टेक्स्ट में इसका जिक्र मिलता है कि आप एक घी के दीपक को लीजिए और आँखों के समान बिल्कुल सामने की तरफ रखिए और उसको एक टुक देखिए जब तक कि आँखों से आंसू नहीं आ जाते, तो ये कंसंट्रेशन के लिए और आँखों की क्लिंजिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर कपालभाति प्रक्रिया का जो आता है, और कपालभाति आज के टाइम पे हम मानते हैं कि कपालभाति एक प्राणायाम है, ठीक है, हम उसको कपालभाति को प्राणायाम के रूप में भी कर सकते हैं, परंतु कपालभाति एक क्लिंजिंग टेक्निक भी है जो कि 3 प्रकार की होती है। उसके बाद अगर हम आगे के बढ़ें तो अभी हमारा हो गया धोती, बस्ती। बस्ती एक प्रक्रिया है, बस्ती में मेनली जो रहता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और जो हमारा रेक्टम रीजन रहता है उसकी क्लिंजिंग के लिए की जाती है। और धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, कपालभाति, ठीक है, इतना हुआ। अभी हम थोड़ा जानते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार जो रहता है, प्रत्याहार में हम अपने जो इंद्रिया होती हैं, हमारी इंद्रिया हमारे शरीर में 10 प्रकार की इंद्रिया होती है, 5 सेंसरी ऑर्गन और 5 ऐसी इंद्रिया जिनसे हम कार्य करते हैं। तो जैसे कि अपनी इंद्रियों को विषयों से परिभूत करना ही प्रत्याहार कहलाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई व्यक्ति है जिसको खाने की बहुत लालसा है परंतु वह ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा ग्रस्त है, तो यदि वह अपने आहार को कंट्रोल करेगा तो वह उसका इंद्रियों को विमुख करना हुआ उनके विषयों से। प्रत्याहार, धारणा, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग योग के अंदर आते हैं। तो इनमें मेनली हम अपने बॉडी के इनसाइड में देखते हैं, जो हमारी इनर ऊर्जा होती है, जो हमारी इनर एनर्जी होती है, तो हम उनको देखते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे योग के विषय में, तो थोड़ा सा अभ्यास करते हैं और फिर हम जानेंगे कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है, साथ ही साथ। तो चलिए इसे अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, स्ट्रेच योर स्पाइन अपसाइड एंड होल्ड हियर फॉर 10 सेकेंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, अपनी कमर को सीधा रखें, 6, 7, 8, 9 10, then slowly exhale both hands down, अपने दाहिने हाथ को अपने बाएं घुटने पर रखेंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ और स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, लुक बैक एंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, slowly inhale, come back। ये जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, पुनः दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच कीजिए, ये जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, इनसे जो हमारे शरीर की माइनर मसल्स होती हैं, जो हमारे शरीर को बहुत सारे सपोर्टिव मसल्स के रूप में काम करती हैं, चेंज करेंगे, उनको इलोंगेट तथा स्ट्रेंथ करती है। मेनली जो हमारी स्पाइन की मसल्स हुई, जो हमारी वर्टिब्रा कॉलम को मूवमेंट करने के लिए तथा खड़े रहने के लिए सपोर्ट करती है, वापस पुनः एक और बार उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है। स्ट्रेच कीजिए अपसाइड, श्वास पर श्वास की गति को सामान्य रखते हुए होल्ड करेंगे, रिलीज, ओके, धीरे से। अभी हम करेंगे ग्रीवा संचालन क्रिया।
ग्रीवा संस्कृत में वर्ड है जो हम अपनी नेक के लिए यूज करते हैं। सो अभी नेक रोटेशन हम स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। सो इनहेल करते हुए बैक, एक्सहेल करते हुए फ्रंट। 10 राउंड्स सभी को करने हैं, ठीक है? कंटिन्यू रखिए। अभी हम योग की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो योग की उत्पत्ति के लिए कहा जाता है कि जो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं, और जिनमें भी सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में भी योग के बारे में विवरण मिलता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि योग जो है वह वेदों से भी बहुत ज़्यादा पुराना है। योग की उत्पत्ति मानी जाती है आदि आदि योगी भगवान शंकर के द्वारा की गई है। अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रिवर्स। तो सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा योगी हम भगवान शंकर को मानते हैं, इसलिए शंकर भगवान को हम आदि योगी भी कहते हैं। ओके, रिलीज। अभी अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखेंगे, स्कंद संचालन, और रोटेट करेंगे। ट्राई करेंगे कि सामने से एल्बो टच होते हुए जाए अच्छे से। अपनी मेरुदंड को सीधा रखेंगे, अपनी कमर को सीधा रखते हुए। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के विषय में कहा जाता है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। रिवर्स करेंगे विपरीत दिशा में। ठीक है, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों को सामने की तरफ उठाएंगे, अंगूठा अंदर की तरफ, मेक अ फिस्ट, देन रिस्ट रोटेशन। अपनी कलाई को अच्छे से रोटेट करेंगे। योग करना और योग को सही ढंग से करना, दोनों में बहुत अंतर है। आपने बहुत लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि उन्होंने योग अभ्यास किया और उनको इसका बहुत सकारात्मक परिणाम मिला, परंतु अब रिवर्स करेंगे। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने योग किया और उनका कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ा। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इस विषय में बात आती है कि उन्होंने जो योग अभ्यास किया वो सही से नहीं किया। ठीक है, दोनों हाथ डाउन नीचे, ठीक है? दोनों हाथ अपने कंधे के समान खोलेंगे, धीरे से अपने लेफ्ट हथेली को डाउन रखेंगे, लेफ्ट एल्बो को डाउन रखेंगे, और राइट हैंड को अपने ईयर से टच करते हुए स्ट्रेच करेंगे। आसमान की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे, अपनी ओब्लिक्स मसल्स को स्ट्रेच करेंगे, होल्ड करेंगे, चेंज करेंगे साइड को, अपनी कमर को सीधा रखते हुए। यदि आप एल्बो नीचे नहीं रख सकते तो जहां तक जा सकते हैं उतना ही होल्ड करेंगे। चेंज, चेंज, रिलीज। धीरे से दंडासना में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए, अपनी कमर को सीधा रखेंगे, या फिर आप अपने हाथों को बैक साइड रख सकते हैं जिससे आपकी कमर को सपोर्ट मिले। ठीक है, तो पैरों में आप थोड़ा सा गैप रखेंगे, सांस को बाहर छोड़ते हुए दोनों पैरों को सामने की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए और होल्ड कीजिए। ठीक है, श्वास पर श्वास की गति योग अभ्यास में बहुत मान्य रखती है। ठीक है, हमारे शरीर में नाड़ियों का, नाड़ी तंत्र का वर्णन मिलता है कि हमारा शरीर नाड़ी तंत्र से बना हुआ है। पैरों को अंदर की तरफ टक करेंगे, जिनमें प्राण प्रवाह करते हैं। होल्ड कीजिए, पैरों को अंदर की तरफ खींचिए। जिनमें से मुख्य रूप से तीन नाड़ी को माना जाता है, ईडा नाड़ी अर्थात हमारी लेफ्ट नोस्टिल, पिंगला नाड़ी हमारी राइट नोस्टिल, और सुषुम्ना। जब हम दोनों नोस्टिल्स में प्राण का प्रवाह को बैलेंस कर लेते हैं तब हमारा प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करता है। ठीक है, अभी फीट को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 10 राउंड्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ब्रीदिंग के साथ 8, 9, 10, एंड रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। ठीक है, जितना बार हम दाई साइड से करते हैं अभ्यास उतना ही हम बाई साइड से करते हैं, क्योंकि योग के विषय में कहा जाता है समत्वम योग उच्यते, अर्थात सम रहने की स्थिति को ही योग कहा जाता है। तो बॉडी का बैलेंस होना, साथ ही साथ आपके मन का बैलेंस होना,
बहुत आवश्यक है। धीरे से दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे, अपने दाहिने घुटने को मोड़ेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे अपनी राइट थाई के नीचे। धीरे से सांस भरते हुए राइट लेग अप डाउन, इसको बोलते हैं जानो नमन क्रिया। संस्कृत में जानो शब्द घुटने के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपका नी रहता है। ठीक है, अपनी कमर को सीधा रखते हुए जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा एफर्ट डालेंगे ज़्यादा लाभ मिलेगा और कम एफर्ट डालेंगे तब भी लाभ मिलेगा। कंटिन्यू करेंगे 8 to 10 राउंड्स, रिलीज। ओके, नाउ चेंज द लेग। अभी ये जो अभ्यास हम कर रहे हैं इनको सूक्ष्म व्यायाम बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी को वार्म अप तथा मसल्स को एक्टिव करने के लिए किए जाते हैं। इसके बाद हम आसनों का अभ्यास करेंगे। ठीक है, धीरे से आएंगे। आपने तितली आसन का नाम सुना होगा। दोनों पैरों को सामने से मिलाइए, कमर को सीधा रखिए, स्टार्ट करेंगे। आपकी कमर का सीधा रहना बहुत आवश्यक है। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इनहेलेशन एक्सहेलेशन को एक्टिव रखते हुए कंटिन्यू। यह अभ्यास आपके पैल्विक जॉइंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेनली देखा जाता है कि फीमेल्स में पीसीओडी पीसीओएस की समस्या बनी रहती है, तो यदि इस अभ्यास को हम रेगुलर 5 मिनट भी करते हैं प्रतिदिन, तो बहुत हद तक के उन समस्याओं से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। और ये बात ऐसे ही नहीं, ये बात रिसर्च में प्रूव हो चुकी है कि जो बटरफ्लाई आसन है, ये जो तितली आसन है, इसका अभ्यास बहुत सारे बल्कि फीमेल्स ही नहीं मेल्स पर भी, बहुत सारे मेल्स की तो इनफर्टिलिटी भी खत्म हो गई है। कंटिन्यू। ठीक है, कमर को सीधा रखिए अपना। ठीक है, योग अभ्यास करना और योग अभ्यास को गलत तरीके से करना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हम अलाइनमेंट का ध्यान रखेंगे, अपने अलाइनमेंट पर फोकस करके चलेंगे कि आपकी बॉडी को अच्छे से जो आप कर रहे हैं उसका लाभ मिले। ये आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज करता है। आजकल युवा में एक ट्रेंड चला है कि जिम करने का, ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसके अल्टरनेटिव योग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि योग आपको स्ट्रेंथ के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है और बैलेंस भी प्रोवाइड कराता है। जिम मेनली आपकी स्ट्रेंथ और मसल्स को टायर्ड करने पर ही फोकस करता है। ठीक है, धीरे से रिलीज कीजिए और अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अभी हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, तो अपने अपने आसन के अपनी मैट के सामने की तरफ आ जाइए, सामने से 1 फीट का गैप रखेंगे। ठीक है, आपकी कमर सीधी, सामने की तरफ आ जाइए। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार जो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है, वो महर्षि पतंजलि के अनुसार हम जो अभ्यास करते हैं, महर्षि स्वामी रामदेव जी के अनुसार, इसमें 12 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, 12 स्टेप्स का एक होता है, इसमें ब्रीदिंग का भी फ्लो चलता है, तो मैं अभी कमांड करूंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा, आप मेरे को फॉलो कीजिएगा और श्वास की गति वैसे ही रखिएगा जैसे कमांड होगी। सो सबसे पहले 1 इनहेल, लिफ्ट योर हैंड्स अप, देन एक्सहेल डाउन इन प्रणाम मुद्रा। 2 इनहेल, लिफ्ट योर हैंड्स अप एंड लिटिल बिट बैक बेंड, हस्तोत्तानासना। 3 एक्सहेल, बोथ हैंड्स डाउन, पादहस्तासना, श्वास को छोड़ते हुए। ठीक है, यदि किसी को डिस्क में प्रॉब्लम है या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो इस आसन में ज़्यादा फोर्स ना लगाए। 4 लेफ्ट लेग बैक कमिंग, अश्व संचालन आसना, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। 5 श्वास को छोड़ते हुए पर्वत आसन। 6 अष्टांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार में हमारे शरीर के 8 अंग जमीन से टच होते हैं, जिनमें आपके दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, आपकी चेस्ट और चिन, आपके हिप्स ग्राउंड से अप रहेंगे। 7 श्वास को भरते हुए भुजंगासन।
आकाश की ओर देखने का ट्राई करेंगे। 8 श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। 9 लेफ्ट लेग को सामने की तरफ लाएंगे दोनों हाथों के बीच में, पुनः आकाश की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। 10 राइट लेग को सामने की तरफ लेकर आएंगे पादहस्तासन। 11 दोनों हाथों को सामने की तरफ से स्ट्रेच करते हुए लिटिल बिट बैक बेंड, देन श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। फिर से करेंगे सेकंड राउंड। 2 इनहेल, 3 एक्सहेल, 4 लेफ्ट लेग बैक अश्व संचालन आसन, 5 एक्सहेल पर्वतासन, 6 इनहेल एंड एक्सहेल अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंग आसन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचालन आसन, 10 पादहस्तासन, 11 हस्तोत्तानासन, 12 प्रणामासन। ठीक है, ये था सूर्य नमस्कार। ठीक है, आप रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप स्ट्रेंथ चाहते हैं और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं तो इसका अभ्यास आप 10 बार 20 बार 30 बार और 100 बार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे, फिंगर्स को अपसाइड स्ट्रेच करेंगे, हील्स को ग्राउंड से अप उठा देंगे। यदि आप यहाँ पर बैलेंस करने में असमर्थ है दोनों पैरों में थोड़ा गैप रख सकते हैं। अपनी स्पाइन को अच्छे से ऊपर की तरफ खींचेंगे, प्रॉपर होल्ड करेंगे, सामने किसी एक पॉइंट को देखिए और वहाँ पर फोकस करते हुए बैलेंस करने का ट्राई कीजिए। धीरे से सांस छोड़ते हुए दोनों एड़ियां जमीन पर, हाथ नीचे। पुनः एक बार, यदि आप बैलेंस नहीं कर सकते तो आप कंटिन्यू अप डाउन इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, होल्ड करेंगे, जो बैलेंस कर सकते हैं वो होल्ड करेंगे, यहीं पर इसी अवस्था में बने रहेंगे। ठीक है, रिलीज। अभी हम शोल्डर रोटेशन करेंगे। ठीक है, अपने दाएं हाथ को सामने से पीछे की तरफ 5 राउंड, कोहनी को सीधा रखते हुए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइकल पेन से स्टार्ट होता है और फिर उनकी नर्व पिंच होने लगते हैं, उसको रेमोटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। तो यदि शोल्डर मोबिलिटी को बनाए रखने के लिए इन अभ्यासों को किया जाए, रिवर्स करेंगे, तो रेमोटॉइड अर्थराइटिस भी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। हाथ को चेंज करेंगे, विपरीत दिशा में। अभी हम अभ्यास करेंगे अर्धचक्रासन का। तो अर्धचक्रासन का अभ्यास करने के लिए दोनों पैरों में समानांतर गैप रखेंगे अपने पैल्विक जॉइंट के अकॉर्डिंग, दोनों हाथ आपकी कमर पर, और श्वास भरते हुए पीछे देखेंगे और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी आंखें खुली रहे, मुंह बंद रहे, श्वास को कोई नहीं रोकेगा, श्वास को धीरे धीरे चलते रहने दीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड तक हम होल्ड करेंगे, उसके बाद वापस। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, दोनों हाथ आपके हिप्स पर, शोल्डर बैक, श्वास भरते हुए अपने हिप्स को सामने की तरफ झुकाएंगे, बैंड करेंगे और नेक को बिल्कुल लूज छोड़ देंगे, घुटनों को सीधा रखते हुए होल्ड करेंगे जितना आपसे हो सकता है। यदि आप यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं चलेगा। ठीक है, होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वापिस, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे। ठीक है, अभी ये जो हमने किया अर्धचक्रासन का काउंटर पोज। ठीक है, यदि हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं तो हम आगे की तरफ भी मुड़ेंगे, बॉडी को बैलेंस रखना बहुत अनिवार्य है। पुनः एक बार वापस, अर्धचक्रासन, बैक बैंड, होल्ड करेंगे,
बैक, सांस को छोड़ते हुए सामने की ओर, ओके रिलीज। ठीक है, अभी कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे, यदि कर सकते हैं तो आप कीजिएगा, नहीं तो उसका अल्टरनेटिव आप कुछ भी अभ्यास कर सकते हैं जो आपको बेटर लगे। ठीक है, दोनों पैरों के मध्य में समानांतर गैप रखेंगे 2 से 3 फीट का। अभी हम करेंगे अल्टरनेट टो टचिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट टो टचिंग, और हिंदी में इसको जानते हैं त्रिकोण आसन क्रिया से। आपने बहुत पहले भी ये अभ्यास किया होगा और देखा भी होगा। तो इसके अभी हम 20 से 30 राउंड करेंगे। दोनों हाथों को कंधे के समान ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड से राइट फीट को टच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे और चेंज करेंगे, कंटिन्यू। सांस को छोड़ते हुए डाउन जाएंगे, कंटिन्यू। सांस को बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ, बैक। अभी होगी जानु विकासक क्रिया, दोनों हाथों को अपने हिप्स पर रखेंगे, पैरों में समानांतर गैप रखेंगे, या फिर आप अपना फेस इस तरफ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्पेस बना रहेगा, अपना फेस इस तरफ कर लीजिए। ठीक है, और पैरों में, पैरों को इस तरह से रखें। ठीक है, पैरों में गैप रखेंगे 3 फीट का अप्रोक्स। सांस को छोड़ते हुए अपने राइट नी को बैंड करेंगे, बैक बैंड, पुश योर हिप्स डाउन, मेरी तरफ फेस करते हुए चेंज, चेंज, कंटिन्यू। यह अभ्यास आपके नी जॉइंट, आपकी थाई मसल्स तथा आपके बैकबोन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। ठीक है, करते रहिए श्वास पर श्वास के साथ। वापस, ओके। अभी हम करेंगे वीरभद्रासन का अभ्यास। तो वीरभद्रासन करने के लिए अपने दोनों पैरों में गैप करेंगे 3 फीट का वापस, जिस प्रकार अभी। ठीक है, अपने पैरों के बीच लगभग 2 से 3 फीट का गैप करेंगे और अपने राइट फीट को राइट साइड टर्न कर देंगे। जैसे अपने राइट नी को बैंड करेंगे और दोनों हाथ अपसाइड प्रणाम मुद्रा में, वीरभद्रासन। मैम अपना पैर सामने की तरफ कीजिए, ठीक है, मेरी तरफ स्टेज की तरफ, राइट पैर स्टेज की तरफ कीजिए और लेफ्ट पैर बैक साइड, ओके इस तरह से। ठीक है, थोड़ा और गैप करिए, ओके नाउ बेंड योर राइट लेग नी, लेफ्ट लेग नी स्ट्रेट, बोथ हैंड्स अप, लुक फ्रंट एंड होल्ड। यहाँ पर 10 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2, दोनों हाथ ऊपर प्रणाम मुद्रा में, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज, चेंज द साइड, सेम होल्ड करेंगे फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्लोली रिलीज। ठीक है, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और घुटनों पर बैठ जाएंगे। ठीक है, अपने एडियो को खुला रखेंगे और अपने हिप्स को एडियो के मध्य। ठीक है, इस आसन को बोलते हैं वज्रासन। ये एकमात्र ऐसा आसन है जिसको आप भोजन करने के उपरांत कर सकते हैं। ठीक है, खाना खाने के बाद भी आप इस आसन को कर सकते हैं, ये एकमात्र ऐसा आसन है। नहीं तो कोई भी आसन हो, कोई भी अभ्यास हो, कहा जाता है कि खाना खाने के लगभग 2 से 3 घंटे के बाद आपको अभ्यास करना चाहिए। तो ये आसन आपके डाइजेशन में इम्प्रूव, डाइजेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो वे इस अभ्यास को कर सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि आपकी कमर बिल्कुल सीधी रहे। ठीक है, चलिए अभी हम करेंगे मंडूकासन का अभ्यास। मंडूकासन का अभ्यास करने के लिए दोनों घुटनों को सामने से मिलाएंगे, अपने राइट हैंड को अपने नेवल पर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर, सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे, सामने की तरफ देखते रहेंगे और होल्ड करेंगे।
यह मंडूकासन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस आसन के अभ्यास से बहुत लोगों का जो इंसुलिन लेते हैं डायबिटिक पेशेंट्स वो भी बंद हो गया है। ठीक है, सामने की तरफ देखेंगे।